हेलो गाइस, आई एम अली खान और आप देख रहे हैं अली खान ब्लॉग। आज मैं आपको बताऊंगा चैनल का बैनर किस तरीके से क्रिएट होता है। तो चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। अब हम आ गए मोबाइल की स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप लोगों को गूगल क्रोम ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपको सर्च करना है चैनल बैनर। चैनल बैनर सर्च करने के बाद आपको ये वाली इमेज पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये वाली इमेज डाउनलोड कर लेनी है। अभी हमारी पिक्चर डाउनलोड हो गई है। इसके बाद आप लोगों को ओपन कर लेना है पिक्स आर्ट। यहाँ पर आपको प्लस के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपको यहां से नीचे चले आना है। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा पिक कैनवास, इसके ऊपर आप लोगों को क्लिक करना है। ये आप लोग बैनर बना रहे हैं, आप लोगों को साइज़ ये होना चाहिए 2560x1440। क्या आप लोगों को ऊपर ये ऑप्शन दिख रहा होगा एरो का, एरो के ऑप्शन के ऊपर आप लोगों को क्लिक कर लेना है। एरो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक मिनट मोबाइल रोटेट कर लो। आपको ये वाले एरो के बटन पे क्लिक करना है। एरो के बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एडिट इमेज पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे ऐड फोटो कर लेना है। आपने पिक्चर डाउनलोड करी थी, आपको उस पिक्चर पे क्लिक करना है। पहले हम वाइड स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ये ब्लैक पिक्चर जो हमने लगाई थी, इसको पूरा उस वाइड स्क्रीन के ऊपर रख लेना है। ब्लैक पिक्चर को इस तरह करें कि बिल्कुल इसके ऊपर फिक्स आ जाए। आपको दोबारा से ऐड पिक्चर पे बिल्कुल क्लिक कर लेना है। जैसे कि ब्लैक पिक्चर है, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ब्लैक पिक्चर को बिल्कुल मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इसको पहले, सही। उसके बाद बिल्कुल इस तरीके से इसके ऊपर रखना है कि बिल्कुल ये डार्क ब्लैक है और लाइट ग्रे, और बिल्कुल लाइट जो ब्लैक है ना उसके ऊपर फिक्स आ जाए ये ब्लैक पिक्चर। मैं अपनी पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं अपनी ये रेड वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद ये डार्क ब्लैक जो है ना, इसके ऊपर मैं इस पिक्चर अपनी लगाऊंगा। अच्छा, आप इसको थोड़ा समझें। ये डार्क ब्लैक जो है ये सिर्फ मोबाइल पे नज़र आएगा, टैबलेट पे भी आ जाएगा और लैपटॉप पे भी आएगा। और ये जो लाइट ब्लैक है ये टैबलेट पे नज़र आएगा, और वो जो सबसे लाइट ब्लैक है वो मतलब सिर्फ लैपटॉप पे नज़र आएगा और पीसी वगैरह। अब मैं अपनी ये वाली पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ। पिक्चर सेलेक्ट करने के बाद हम लोग इसको कॉर्नर की तरफ लगा लेते हैं। अब हमारे को एक और पिक्चर ऐड कर लेनी है। आप गैलरी में जाएं और एक और पिक्चर सेलेक्ट कर लें, क्योंकि हम लोग बैनर बना रहे हैं तो उसके हिसाब से मुझे ये पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है। आपकी मर्ज़ी है, आप जो जो पिक्चर आपको सेलेक्ट करनी है आप सेलेक्ट कर लें। मैं तो सिंपल ही बना रहा हूँ अपने लिए, तो मैं सिंपल ही सेलेक्ट करूँगा। आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट का, टेक्स्ट पर क्लिक करके आप लोग यहाँ पर कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं तो अपने चैनल का नेम लिखूँगा, और आप लोग को जिस चीज़ के लिए मतलब चैनल में जो भी आपका नेम हो आप नेम लिख सकते हैं आराम से। हमने नेम लिख लिया, अब हम टिक की ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। अब हमें यहाँ तक सही से लगा लेना है। हम पहले से थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये अभी फिक्स नहीं आ रहा था। अभी फिक्स हो गया है।
आप लोग सोच रहे होंगे पीछे का मतलब टैक्स एंड लोगो वगैरह सब कुछ दिख रहा है, लेकिन हमने जो ब्लैक स्क्रीन लगाई थी हम उसकी लाइट वापसी तेज कर लेते हैं। ये देखिए हमारा लोगो बिल्कुल तैयार हो गया है और बिल्कुल सही से दिख रहा है। अगर आप लोगों को कुछ भी पूछना हो मुझसे आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और कमेंट्स में भी बता सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप।